तो स्टूडेंट हम आ गए अपने मोबाइल के स्क्रीन पे और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर सेकेंड बिहाइव प्रोज से ही पढ़ेंगे। इस चैप्टर का नाम है द साउंड ऑफ म्यूजिक। जानकारी के लिए बता दें ये दो पार्ट में बटा हुआ है। एक पार्ट द साउंड ऑफ म्यूजिक जो है ये स्कॉटिश से लिया गया है और जो दूसरा पार्ट है वो है द शहनाई ऑफ बिस्मिल्ला खां, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। उस चैप्टर को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज हम शुरू करने जा रहे हैं द साउंड ऑफ म्यूजिक। राइटर है, लेखिका हैं डिब्रा काउले, जिनका पिक्चर यहाँ पे मेंशन किया गया है। चैप्टर को शुरू करने से पहले हम इसके कैरेक्टर के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। इवलिन ग्लानी लिसन टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। इवलिन ग्लानी इस चैप्टर की मेन करेक्टर है, जिसकी इवलिन ग्लानी लिसन टू साउंड जो आवाज़ को सुनती है विदाउट हियरिंग इट, बिना उसको सुने, अर्थात वो डीप है, बहरी है। इंट्रोडक्शन ऑफ द करेक्टर्स में देखा जाए तो पहला जो है इवलिन ग्लानी का ही आता है और पूरी स्टोरी इसी के ऊपर रन कर रही होती है। इवलिन ग्लानी ए डीप टीनेजर स्कॉटिश म्यूजिशियन है, एक बहरी किशोरी स्कॉटलैंड की संगीतकार है, स्कॉटलैंड से बिलोंग करती है। इसके अलावा इजाबेल ग्लानी जो उसकी माँ है, मदर ऑफ इवलिन ग्लानी। इसके अलावा तीसरा जो करेक्टर है वो जेम्स ब्लेड्स हैं। जेम्स ब्लेड कौन है? ये रॉयल सोसाइटी लंदन में तबला वादक हैं। ही इज़ द एमेस्टर प्रकाशंस ऑफ रॉयल सोसाइटी इन लंदन। आफ्टर दैट द फोर्थ करेक्टर रॉम फोब्स। रॉम फोब्स कौन है? इवलिन के स्कूल का तबला वादक है, जो उनके स्कूल में तबला ढोलक बजाते थे। पांचवा जो करेक्टर है एन रिचलिन फॉर डीफ चिल्ड्रन ट्रस्ट, बहरे बच्चों के लिए गणित विथोन को से संबंध रखती हैं। चैप्टर शुरू होता है द साउंड ऑफ म्यूजिक पार्ट वन, इवलिन ग्लानी लिसन टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। वही बातें यहाँ भी एक्सप्लेन की गई हैं। इवलिन ग्लानी जो है वो म्यूजिक को सुनती है बिना सुने। बिफोर यू रीड, चैप्टर पढ़ने से पहले यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, पहले हम इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग, भगवान ने उसकी सुनने की श्रवण शक्ति छीन ली, बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रॉर्डनरी, लेकिन उसे कुछ अलग ही क्वालिटी दी है। व्हाट वी हियर, जिसे हम सुनते हैं, सी फील्स, वह सोच महसूस करती है, फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस, यानी जो चीज़ हम सुनते हैं वह उसे महसूस करती है, यानी हमसे भी बेहतर वह सुन सकती है। दैट इज वाई, यही कारण है, सी एक्सप्रेसेस म्यूजिक सो ब्यूटीफुली, कि वह संगीत को इतने सुंदर तरीके से व्यक्त कर लेती है। रीड द फॉलोइंग काउंट ऑफ पर्सन हु फॉट अगेंस्ट ए फिजिकल डिसेबिलिटी एंड मेड हर लाइफ ए सक्सेस स्टोरी। कहा जाता है कि डिसेबिलिटी मतलब अपाहिज हो जाना। इस स्टोरी में जो एवलिन ग्लानी है वो शारीरिक रूप से डिसेबिलिटी पाई जाती है, जो बहरी है, लेकिन बहरी होने के बावजूद भी उसने अपने लाइफ को आगे बढ़ाया और अपने जीवन को सक्सेस किया। आ जाते हैं हम अपने पहले पैराग्राफ पर। पहला पॉइंट्स है, ध्यान दीजिए, रश और क्राउड्स जोस्टल फॉर पोजिशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म। अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म का मतलब होता है भूमिगत रेलवे प्लेटफॉर्म पर। भीड़ भाड़ में लोग आगे स्थान प्राप्त करने के लिए एक दूसरे को क्या कर रहे थे? जोस्टल कर रहे थे, धक्का मुक्की कर रहे थे। ए स्लाइट गर्ल, स्लाइट का मतलब होता है, यहाँ मीनिंग दिया हुआ है, स्लाइट मीन्स होता है स्मॉल एंड थिन, यानी एक छोटी और दुबली पतली बच्ची, लुकिंग यंगर देन हर 17 ईयर्स, जो अपने एज से भी 17 साल है लेकिन उससे कम नज़र आती है। वाज नर्वस, वह बहुत डरी हुई थी, येट एक्साइटेड, डरी होने के साथ साथ वह एक्साइटेड भी थी, एज सी फेल्ट द वाइब्रेशन ऑफ अप्रोचिंग ट्रेन, क्योंकि वह उस समय उस ट्रेन के आने की वाइब्रेशन को महसूस कर सकती थी। इट वाज हर फर्स्ट डे, यह उसका पहला दिन था एट द प्रेस्टिग रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक। यह उसका पहला दिन था
यानी लंदन की प्रतिष्ठित रॉयल एकेडमी सोसाइटी फॉर म्यूजिक में उसका पहला दिन था और स्कॉटलैंड के फॉर्म से आई किसी किशोरी के लिए ये बात एक डरावने वाली बात थी, यानी वह काफ़ी डरी हुई थी। देखिए, डांटिंग एनफ फॉर एनी टीनेजर फ्रेश फ्रॉम स्कॉटिश फॉर्म। टीनेजर का मतलब होता है 13 साल से 19 साल के एज वालों को टीनेजर कहा जाता है, बच्चियां जो भी होती हैं, जैसे 13, टीन से वहीं से जुड़ा हुआ 13, जिसके अंत में टीन आता है, 13, 14, 15, 19 इस प्रकार। तो फ्रेश फ्रॉम स्कॉटिश फॉर्म, ठीक है। बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड ए बिगर चैलेंज, लेकिन संगीतकार बनने की आकांक्षा करने वाली इस लड़की के सामने तो औरों की अपेक्षा और बड़ी चुनौती थी। फेस्ड ए बिगर चैलेंज दैन मोस्ट, सी वाज प्रोबेबली डीफ। कारण ये था, वह बहरी थी। आ जाते हैं सेकेंड पैराग्राफ में। सेकेंड पैराग्राफ में मेंशन किया गया है, इवलिन ग्लानीज लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल। कहा जा रहा है इवलिन ग्लानी की सुनने की जो शक्ति का ह्रास था वो धीरे धीरे होता चला गया, यानी लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल, यानी जो सुनने की क्षमता थी वो धीरे धीरे उसकी लॉस हो गई। हर मदर रिमेंबर्स नोटिसिंग समथिंग, उसकी माँ ने इस बात पर ध्यान दिया, नोटिस किया, समथिंग वॉज रॉन्ग, वो समझ गई थी कुछ गड़बड़ है। व्हेन द 8 ईयर्स ओल्ड इवलिन वॉज वेटिंग टू प्ले द पियानो, जब उसने देखा कि 8 साल की बच्ची, जब इवलिन 8 साल की थी तो वह पियानो बजाने का इंतज़ार कर रही थी। दे कॉल्ड हर नेम, उसी समय उसकी माँ ने उसका नाम लेकर पुकारा। एंड सी डिड नॉट मूव, और वह वहाँ से बिल्कुल हिली नहीं। आई सडनली रियलाइज, उसकी माँ कहती है, मुझे अचानक महसूस हुआ, सी डिड नॉट, सी हैड नॉट हर्ड, कि उसने सुना नहीं है। सेज इजाबेल ग्लेनी, इजाबेल ग्लेनी मदर ऑफ इवलिन ग्लेनी, वो कहती है कि जब मैंने उसको पुकारा तो वह इस पर ध्यान नहीं दी, मुझे ऐसा लगा कि वह सुन नहीं पा रही है। फॉर क्वाइट ए व्हाइल इवलिन मैनेज टू कंसील हर ग्रोइंग डीफनेस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर, और इसी क्रम में इवलिन अपने दोस्तों से, अपने टीचरों से, अध्यापकों से वह अपने बहरेपन को छिपा रखी थी, यानी छिपाने में सफल रही। बाई द टाइम, लेकिन समय के साथ साथ, सी वॉज 11, हर मार्क्स हैड डिट्रैक्टेड, जब वह 11 साल की हुई तो उस समय उसके मार्क्स जो थे एग्ज़ाम परीक्षाओं में नंबर कम आने लगे। एंड हर हेड मिस्ट्रेस अर्ज्ड हर पेरेंट्स टू टेक हर टू ए, और उसकी जो मुख्य अध्यापिका थी उसने उसके माता पिता से विनती की, प्रार्थना की कि उसे किसी विशेष स्पेशलिस्ट को दिखाया जाए। इट वॉज देन डिस्कवर्ड, तब पता चला, दैट हर हियरिंग वॉज सिवरली इम्पेयर्ड एज ए रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज, तब पता चला कि स्नायु के धीरे धीरे खराब होने से उसकी श्रवण शक्ति गंभीर रूप से बिगड़ चुकी है। श्रवण शक्ति, सुनने की क्षमता, डैमेज मतलब होता है बिगड़ जाना, पूरी तरह से बर्बाद हो जाना। दे वेयर एडवाइज्ड, उन्हें सलाह दी गई, उन्हें समझाया गया, दैट सी शुड बी फिटेड विथ हियरिंग एड्स, कि उसे सलाह दी गई कि उसे श्रवण यंत्र लगवाया जाए। हियरिंग एड्स का मतलब होता है वो जो सुनने के लिए लगाया जाता है। एंड सेंड टू द स्कूल, और उसे स्कूल भेजा जाए। फॉर द डीफ, कहाँ पर, बहरों के स्कूल में भेज दिया जाए, यानी ऐसा स्कूल जहाँ बहरे बच्चे पढ़ाई करते हों। एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक, उसी समय सब कुछ अचानक से उसके आँखों के सामने काला नज़र आने लगा, अर्थात चारों तरफ उसके लिए अंधेरा सा छा गया, या यूं कह सकते हैं कि सब और निराशा प्रतीत हो रहा था। सेज इवलिन, इवलिन कहती है। इसी क्रम में हम तीसरे पैराग्राफ पे आ जाते हैं। बट इवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप, लेकिन इवलिन भी पीछे हटने वाली नहीं थी। इवलिन हार मानने को तैयार बिल्कुल नहीं थी। सी वॉज डिटरमाइंड टू लीड ए नॉर्मल लाइफ,
उसने सामान्य जीवन जीने व संगीत सीखने में अपनी पूरी कोशिश की, डिटरमाइंड और उसका दृढ़ निश्चय कर लिया एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूज़िक, यानी संगीत को सीखने में। वन डे सी नोटिस्ड, एक दिन सी नोटिस्ड, उसने एक लड़की को देखा कि नोटिस्ड ए गर्ल, उसने एक लड़की को देखा प्लेइंग ए जोलोफोन, जो एक जोलोफोन बजा रही थी। एंड डिसाइडेड, और उसने भी डिसाइड कर लिया, निर्णय कर लिया दैट सी वांटेड टू प्ले इट टू, कि वह भी इसे बजाना चाहती है। मोस्ट ऑफ द टीचर डिस्करेज्ड हर, ये देखिए सबसे बड़ी लाइनें हैं। शिक्षक का काम होता है कि बच्चों को आगे बढ़ाना, उनको करेज करना, साहस देना, लेकिन इसके साथ यहाँ पे थोड़ा सा गलत हुआ था। मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज्ड हर, जब उसने ठान लिया कि मैं भी ये सब चीज़ें करूँगी, तो अधिकांश अध्यापिकाओं ने उसका हौसला तोड़ा। डिस्करेज का मतलब होता है हौसला तोड़ना। बट परक्यूशनिस्ट रॉन फॉब्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल, लेकिन ढोल बजाने वाले, प्रिकॉशन मतलब ढोल बजाने वाले, रोम फॉब्स ने उसकी भावी योग्यताओं को पहचाना। स्पॉटेड, ध्यान देना, हर पोटेंशियल मतलब होता है उसकी भावी योग्यताओं को। ही बिगैन बाय ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम, उन्होंने दो बड़े बड़े ढोल अलग अलग ताल पर बजाने शुरू किए। डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, और उन्होंने कहा कि आवाज़ को अपने कान से सुनने की कोशिश मत करो। ही वुड से, और उन्होंने कहा ट्राई टू सेंट इट, इसे कोशिश करो महसूस करने की सम अदर वे, किसी दूसरे तरीके से। सेज इवलिन, इवलिन कहती है सडनली आई रियलाइज्ड, और तभी मैंने महसूस किया, मैंने क्या महसूस किया, फील द हायर ड्रम फ्राम द वेस्ट अप, मैंने महसूस किया कि जो बड़ा वाला ड्रम था वो मेरे कमर के ऊपर महसूस हो रहा था, एंड द लोअर वन फ्राम द वेस्ट डाउन, यानी जब वो बज रहा था तो उसकी ध्वनि मैं अपने कमर के ऊपर बड़े वाले ड्रम को महसूस कर सकती थी, और जो छोटा वाला ड्रम था मैं कमर के नीचे, लोअर वन फ्राम द वेस्ट डाउन। फॉब रिपीटेड द एक्सरसाइज, और इसी क्रम में फॉब ने उस एक्सरसाइज को दोहराया। एंड सून इवलिन डिस्कवर्ड दैट सी कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी, और इसी प्रकार उसने इस चीज़ को रियलाइज़ किया कि वह निश्चित रूप से अपने शरीर के विभिन्न पार्ट्स के द्वारा चीज़ों को महसूस कर सकती है। एंड लर्नड, और उसने ये भी सीखा टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड एंड वाइब्रेशन, उसने अपने मस्तिष्क को और शरीर के साउंड और वाइब्रेशन को महसूस करना सीख लिया। द रेस्ट वाज शियर डिटर्मिनेशन, बाकी चीज़ें उसके दृढ़ संकल्प एंड हार्ड वर्क और परिश्रम पर निर्भर करता है। यानी वह कहती है कि मैं, मेरे अध्यापक जो उस समय फॉब्स थे, जिन्होंने ये बात मुझे समझाया और रियलाइज़ कराया, मैंने अपने शरीर के माध्यम से उन चीज़ों को महसूस किया। इसके अलावा जो मेरी सफलता का सबसे बड़ा रहस्य था वो ये था कि मेरा दृढ़ निश्चय, दृढ़ संकल्प और परिश्रम, यानी ये मुझे लगता है कि मेरा दृढ़ संकल्प, दृढ़ निश्चय ही और मेरा मेहनत ही मुझे इस सफलता में मेरा योगदान दिया। इसी क्रम में चौथा पैराग्राफ आ जाते हैं। चौथे पैराग्राफ में कहा गया सी नेवर लुक्ड बैक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स, उस समय से उसने मुड़कर नहीं देखा। सी नेवर लुक्ड बैक, उसने कभी दोबारा मुड़कर नहीं देखा फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड, यानी उस समय से, उस स्थान से फिर दोबारा उसने मुड़कर नहीं देखा। सी टोर द यूनाइटेड किंगडम, उसने विथ ए यूथ ऑर्केस्ट्रा, उसने एक युवा वादक वृंद के साथ इंग्लैंड का दौरा किया। टोर मिस होता है दौरा करना। सी टोर द यूनाइटेड किंगडम विथ ए यूथ ऑर्केस्ट्रा, यूथ ऑर्केस्ट्रा का मतलब, ऑर्केस्ट्रा का मतलब होता है टीम जो म्यूजिक वगैरह बजाते हैं उनके साथ, उसमें एक नवयुवक लड़के के साथ उसने इंग्लैंड का दौरा किया। और एंड बाय द टाइम, और उस समय सी वाज 16, वह 16 साल की थी।
शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ, और तब उसने संगीत को अपना जीवन बनाने का निर्णय कर लिया था। शी ऑडिशन फॉर द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक, उसने रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में ध्वनि परीक्षण दिया, ऑडिशन दिया एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाइजेस्ट मार्क, और उसने एक अच्छे अधिकतम अंक प्राप्त करने वालों में से वह एक बन गई। द हिस्ट्री ऑफ द एकेडमी पूरे इतिहास बना ली। सी ग्रेजुअली मूव्ड फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू ए सोलो परफॉर्मेंस, और धीरे धीरे वह वादक वृंद से हटकर, वादक वृंद होता है ऑर्केस्ट्रल वर्क, ऑर्केस्ट्रल वर्क की शुद्ध हिंदी जो होती है वादक वृंद होता है, यानी वह धीरे धीरे वादक वृंद से हटकर सोलो परफॉर्मेंस की तरफ आगे बढ़ी। सोलो परफॉर्मेंस का मतलब होता है एकल वादन करने लगी, ठीक है। एट द एंड ऑफ हर थ्री ईयर्स कोर्स, तीन वर्ष के पाठ्यक्रम में, सी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड, उसने सर्वोच्च इनाम प्राप्त कर लिए थे अपने तीन वर्ष के पाठ्यक्रम में, ठीक। इसी क्रम में हम बढ़ जाते हैं अपने पांचवें पैराग्राफ की तरफ। पांचवा पैराग्राफ है, एंड फॉर ऑल दिस, और इतना होने पर भी एवेलिन वुड नॉट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट। एवेलिन यह जरा भी मानने को तैयार नहीं थी कि उसने बड़ी वीरतापूर्ण उपलब्धि प्राप्त कर ली है, यानी इतना करने के बावजूद भी वह इस बात को मानने को तैयार नहीं थी कि उसने बहुत कुछ हासिल कर लिया है। इफ़ यू वर्क हार्ड, वो कहती थी, अगर आप मेहनत करोगे एंड नो वेयर यू आर गोइंग, और आपको अगर पता है कि आपको कहाँ जाना है, तो यू विल गेट देयर, तो आप वहाँ पहुँच जाएंगे। एंड सी गॉट राइट टू द टॉप, और वह ठीक शिखर पर पहुंच गई थी। द वर्ल्ड्स मोस्ट सॉट आफ्टर मल्टी परकसंस विथ ए मास्टरी ऑफ सम थाउजेंड इंस्ट्रूमेंट्स एंड हेक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल्ड, कहा जा रहा वह संसार की श्रेष्ठ ढोल तबला वादक बन गई थी जिसकी सबसे अधिक मांग थी, और उस जिसे लगभग 1000 संगीत वादनों का पूर्ण ज्ञान था, और जिसने संसार भर में अपना नाम कमाया और वह अपने काम में हमेशा व्यस्त रही। छठा पैराग्राफ, इट इज़ इंट्रीगिंग टू वॉच एवेलिन। इंट्रीगिंग मतलब होता है अचंभा, शॉक्ड हो जाना, क्यूरियस हो जाना। इट इज़ इंट्रीगिंग टू वॉच एवेलिन फंक्शन सो एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग। कहा जा रहा है कि सुनने की शक्ति के बिना एवेलिन को बिना प्रयास किए संगीत बजाते देखने से आश्चर्य होता है, यानी वो सुन नहीं सकती थी, बिना सुने ही वह संगीत को बजाती थी, और इस बात को सुनना एक बहुत बड़ा आश्चर्य वाली बात थी। इन आवर टू आवर डिस्कशन, हमारे दो घंटे के बहस में, सी नेवर मिस्ड ए वर्ड, उसने एक शब्द भी मिस नहीं किया। मैन विथ बिजी बियर्ड गिव मी ट्रबल, कहती थी वो, झाड़ीदार दाढ़ी वाले लोगों से मुझे थोड़ी दिक्कत आती है। बुजी बियर्ड मतलब होता झाड़ीदार दाढ़ी। इट इज़ नॉट जस्ट वॉचिंग लिप्स, यह केवल बात केवल उसके होठों को देखने की नहीं थी। इट इज़ द होल फेस, यह पूरा चेहरा देखना था, स्पेशली द आइज, विशेष रूप से उसकी आँखें। सी स्पीक फ्लॉलेसली विथ ए स्कॉटिश लिल्ट। स्कॉटिश लिल्ट का मतलब होता है स्कॉट के बोलने के ढंग से बिना त्रुटि के वो बोलती थी, जैसे स्कॉटलैंड वाले बोलते हैं। कहती थी, माय स्पीच इज क्लियर बिकॉज, मेरे जो शब्द हैं वो क्लियर हैं, कारण है क्योंकि आई कुड हियर टिल आई वाज 11, क्योंकि जब मैं 11 साल की थी तब मैं बातों को सुन सकती थी। सी सेज, वह कहती है, बट That does not explain how she managed to learn French and master basic Japanese. वह कहती है, परंतु इससे यह बात स्पष्ट नहीं होती है कि उसने फ्रेंच व बुनियादी जापानी भाषा कैसे सीख ली। एज फॉर म्यूजिक, सातवां पैराग्राफ, एज फॉर म्यूजिक, जहाँ तक संगीत का प्रश्न है, देखिए एज फॉर म्यूजिक, अगर किसी वर्ड के पहले एज फॉर लगाओ तो उसका होगा जहाँ तक
मेरी बात है, जैसे एज फॉर मी, जहाँ तक मेरी बात है, तो यहाँ एज फॉर म्यूजिक, जहाँ तक संगीत का सवाल है या संगीत की बात है, सी एक्सप्लेन, वह कहती है, इट पोर्स इन थ्रो एवरी पार्ट्स ऑफ माई बॉडी, कहती है जहाँ तक संगीत का प्रश्न है, वह स्पष्ट रूप से इस बात को क्लियर कर देती है कि जहाँ तक संगीत का प्रश्न है, यह मेरे शरीर के हर अंग में प्रवेश करता है, मेरी त्वचा में, इट टिंगल्स इन द स्किन, यह मेरी त्वचा में है, माय चेक बोन्स, मेरे गालों की हड्डियों में है, एंड इन माय, इवन इन माय हेयर, और मेरे बालों की सनसनाहट में भी पैदा करता है। व्हेन शी प्लेज, जब वह जाइलोफोन बजाती है, द जाइलोफोन, व्हेन शी प्लेज द जाइलोफोन, जब वह जाइलोफोन बजाती है, तो सी कैन सेंस द साउंड पासिंग अप द स्टिक इन टू हर फिंगर स्ट्रिप्स, जब वह जाइलोफोन बजाती है तो ध्वनि छड़ियों से होकर उसकी उंगलियों के पैरों में प्रवेश करती हैं, फिंगर स्ट्रिप्स, बाय लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम, ढोल का सहारा लेने से सी कैन फील द रिसोर्सेस फ्लोइंग इन टू हर बॉडी, वह तरंगों को अपने शरीर में प्रवेश करती, अनुभव करती है, ऑन ए वुडन प्लेटफॉर्म, लकड़ी के मंच पर, वुडन मतलब होता लकड़ी, ऑन ए वुडन प्लेटफॉर्म सी रिमूव्ड हर शूज, वह अपने जूते उतार देती है, सो दैट, ताकि द वाइब्रेशन पास थ्रू हर बेयर फीट एंड अप हर लेग्स, यानी जब वह लकड़ी के मंच पर जाती थी तो अपने जूते उतार देती थी ताकि कंपन उसके पाँव में से होकर उसकी टांगों में आ जाए, हर बेयर फीट अप हर लेग्स में। आठवां पैराग्राफ स्टार्ट कर लेते हैं। नॉट सरप्राइजिंगली एवलिन डिलाइट्स हर ऑडियंस। नॉट सरप्राइजिंग का मतलब होता है इसमें कोई सरप्राइज की बात नहीं है या अचंभा नहीं है कि इवलिन ने डिलाइट्स हर ऑडियंस, अपने श्रोतागण का पूरा मनोरंजन किया, उन्हें खुश रखा, डिलाइट्स किया। इन 1991 सन 1991 ईस्वी में सी वाज प्रेजेंटेड विद द रॉयल फिलहारमोनिक सोसाइटीज प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। सन 1991 में उसे रॉयल फिलहारमोनिक सोसाइटी ने उस वर्ष का एकल वादन का अपना प्रतिष्ठित खिताब प्रस्तुत किया, यानी उसे अवार्ड दिया गया। सेज मास्टर प्रिकॉशनिस जेम्स ब्लेड, मास्टर प्रिकॉशनिस जेम्स ब्लेड, अभी हमने इसके बारे में पहले ही समझाया था कि ये जेम्स ब्लेड कौन है, ढोल बजाने वाले हैं, जेम्स ब्लेड हैं ये उसके बारे में कहते हैं। ये देखिए, ये जो पहली लाइन है, ये अभी चैप्टर के पहले ही हमने इस चीज़ को समझाया था, गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग, उनका मानना था कि भगवान ने उसकी श्रवण शक्ति तो ले ली, बट ही हैज़ गिवेन, ही मतलब गॉड, He has given her back something extraordinary. लेकिन उन्होंने उसे उसके बदले में कुछ अलग वस्तु या प्रतिभा दी है। What we hear, जो हम सुनते हैं, she feels, उसे वह महसूस करती है, far more deeply than any of us, और हम में से कहीं अधिक गहराई के साथ, that is why, यही कारण है, she expresses music so beautifully, यही कारण है वह संगीत को इतने सुंदर रूप से व्यक्त करती है। आ जाते हैं नौवें पैराग्राफ पे। एवलिन कॉन्फेसेस दैट सी समथिंग ऑफ वर्कहॉलिक। वर्कहॉलिक का मतलब होता है हमेशा अपने काम में व्यस्त रहना। तो एवलिन ने इस बात को स्वीकारा, कॉन्फेस मतलब होता है एडमिट करना, स्वीकार लेना, एडमिट, एवलिन यह मानती है, स्वीकार करती है, दैट सी इज समथिंग ऑफ ए वर्कहॉलिक, कि उसे मेहनत, उसे काम का नशा है। सिंपल वर्ड में अगर कहें तो सी समथिंग ऑफ ए वर्कहॉलिक, यानी उसे काम का नशा है। कहती है, आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क, मुझे मेहनत करनी ही पड़ती है, ऑफन हार्डर, प्रायः हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियन, प्रायः संगीतज्ञों से भी अधिक,
लेकिन उसका फल भी बहुत है, बट द रिवार्ड्स आर एनॉर्मस, कहता लेकिन उसका फल भी बहुत है। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट, सामान्य संगीत सभाओं के अतिरिक्त, इवलिन आल्सो गिव फ्री कंसर्ट्स इन प्रिजन्स, इवलिन ने जेलों एंड हॉस्पिटल और अस्पतालों में भी मुफ्त संगीत सभाएं भी करती थी। शी आल्सो गिव हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस, वह युवा संगीतकारों की कक्षाओं फॉर यंग म्यूजिशियन, यानी वह युवा संगीतकारों की कक्षाओं को भी अधिक महत्व देती थी। एन रिचलिन, ये एन रिचलिन के बारे में भी हमने पहले ही बता दिया था, एन रिचलिन ऑफ द बेथोवेन फंड और फॉर डीफ चिल्ड्रन सेज, एन रिचलिन जो है जो फंड के ट्रस्ट की बेथोवेन फंड फॉर डेफ डीफ चिल्ड्रेन की एक रिचलिन कहती है, एन रिचलिन कहती हैं, सी इज शाइनिंग इंस्पायरेशन, वह बहरे बच्चों के लिए उज्जवल प्रेरणा है। फॉर डीफ चिल्ड्रेन दे सी, वे देखते हैं, दैट देयर इज नाउ हेवर दैट दे कैन नॉट गो, वे देखते हैं कि ऐसा कोई स्थान नहीं जिसे वे प्राप्त नहीं कर सकते हैं। हम इसी के साथ साथ हम आखिरी पैराग्राफ पे हम आ जाते हैं। इस चैप्टर का आखिरी लाइन है, इवलिन ग्लैनी हैज़ ऑलरेडी एकम्प्लिश्ड मोर देन मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज, इवलिन अपनी आयु से दुगने बड़ों से भी अधिक सफलता पहले ही प्राप्त कर चुकी है। सी हैज ब्रॉट प्रिकॉशंस टू फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा एंड डिमॉन्स्ट्रेटेड दैट इट कैन बी वेरी मूविंग, उसने ढोल या तबलों के बजाने को ऑर्केस्ट्रा में आगे का स्थान दिला दिया है और यह भी दिखा दिया है, सी हैज गिवन इंस्पायरेशन टू दोज हु आर हैंडीकैप्ड। ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, उसने यह भी दिखा दिया है, यह भी साबित कर दिया है कि वह बहुत ही प्रभावशाली हो सकता है, उसने उन विकलांग लोगों को प्रेरणा दी है जो उसे देखकर कर सकते हैं। पीपुल हु लुक टू हर एंड सेज, जो लोग उसे उसकी तरफ देखते हैं वे कहते हैं, इफ़ सी कैन डू इट, अगर इवलिन जैसी बच्ची यह काम कर सकती है, जो सुन नहीं सकती वह इतना अच्छा कर सकती है, तो आई कैन, तो मैं भी कर सकता हूँ, एंड नॉट द लीस्ट, और कम से कम तो नहीं, एंड नॉट लीस्ट सी हैज गिवन एनॉर्मस प्लेजर्स टू मिलियंस, और सबसे बड़ी बात है यह है कि उसने लाखों लोगों का मनोरंजन किया है बाय डिवोट काउले। तो स्टूडेंट, ये चैप्टर कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना राय दें, और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें।